हेलो एवरीवन, मैं विपांशी गोस्वामी। आज का डेट है सितंबर 20, 2019। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज के करंट अफेयर्स है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला जो न्यूज़ है वो है ट्राइलेटरल जो एक्सरसाइज अभी होने वाले है 3 कंट्रीज़ के बीच में, उसी से रिलेटेड है। और ये जो ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है वो इंडिया, सिंगापुर, थाईलैंड, साइट मैक्स 19 के बीच में होने वाली है, विथ इट्स सी फेस इन द अंडमान सी। और साइट मैक्स 19 जो है वो इंडियन नेवी, रॉयल थाई नेवी, आरटीएन एंड रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी, जो कि आरएसएन है, इन तीन देशों के बीच में होने वाली है। और ये जो 5 दिन का जो ये जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है, उसका एम है टू स्ट्रेंथन रिलेशंस बिटवीन ऑल 3 कंट्रीज। और इसका जो मतलब ये जो है ये एक्सरसाइज जो है वो इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में जो है कैपेबिलिटी और कोऑपरेशन बढ़ाएगी, ऐसा माना जा रहा है। तो ये उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। देन नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है इंडियन एयरफोर्स चीफ जो है नेक्स्ट, उसके मतलब उसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है ये। तो गवर्नमेंट ने जो है उन्होंने अभी हाल ही में एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया को एज़ द नेक्स्ट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ मतलब उनका नाम लिया है। और आर के एस भदौरिया जो है वो करेंटली वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ है। और अभी जो करेंट जो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है बी एस धनोआ, उनके रिटायरमेंट के बाद, जो कि सितंबर 30 में रिटायर होने वाले हैं, उनके रिटायरमेंट के बाद वो अपना चार्ज लेंगे, मतलब अपना कार्यभार संभालेंगे। और भदौरिया जो है वो नेशनल डिफेंस एकेडमी से पास आउट है और उनका 4,250 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस भी है। और फिर 26 टाइप्स ऑफ फाइटर एंड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है उसको मतलब उड़ाने का भी एक्सपीरियंस उनके पास है। तो ये उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। द नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स, जो कि अभी नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2018 जो है वो देश भर के 22 साइंटिस्ट को दिया जा रहा है अभी। और फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ जियो साइंसेस, माइनिंग एंड एलिट एरियाज। और ये जो अवार्ड जो है वो प्रहलाद जोशी, जो कि हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, वो अभी सितंबर 19, 2019 को ये अवार्ड उन्होंने दिया है। और नेशनल जियो साइंस अवार्ड जो है वो इन 10 को मिला है, वो है डिसिप्लेस कवरिंग अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन, मिनरल एक्सप्लोरेशन, मिनरल बेनिफिकेशन, माइनिंग टेक्नोलॉजी बेसिस एंड अप्लाइड जियो साइंसेस, सस्टेनेबल मिनरल डेवलपमेंट, नेचुरल हैजर्ड इन्वेस्टिगेशन एंड जियो एनवायरमेंटल स्टडीज। तो इन सबको ये अवार्ड मिला है। द नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है पीएम मोदी से रिलेटेड। पीएम मोदी जो है हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनको अभी हाल ही में जो है ग्लोबल गेटकीपर्स अवार्ड से नवाजा गया है। और वो जो अवार्ड, ये जो अवार्ड है वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है उनके तरफ से ये अवार्ड उनको मिला है, जो कि स्वच्छ भारत अभियान के दौरान जो उनकी लीडरशिप है इंडिया के लिए, उसी के वजह से उनको ये अवार्ड मिला है। और पीएम मोदी जो है ये अवार्ड वो यूनाइटेड स्टेट्स में रिसीव करेंगे। और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि नरेंद्र मोदी जो है वो गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड्स में ये अवार्ड रिसीव कर रहे हैं। फॉर द प्रोग्रेस इंडिया हैज़ मेड इन इम्प्रूविंग सैनिटेशन एज अ पार्ट ऑफ इट्स ड्राइव टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ यही है। द नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है दिल्ली पुलिस से रिलेटेड, जो कि हाल ही में अभी तत्पर ऐप उन्होंने लॉन्च किया है। और ये जो तत्पर ऐप जो है वो सितंबर 18, 2019 को लॉन्च किया गया है। और ये जो है ये मतलब जो कि सेफ्टी एंड कन्वीनिएंट जो कि है वो 24/7 ऑनलाइन मोड पे मतलब सिटीजन्स को प्रोवाइड किया जाएगा। और ये ऐप जो है वो दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर है अनिल बैजल, उन्होंने लॉन्च किया है। और ये जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा डेवलप किया गया है। और तत्पर ऐप जो है वो वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एक्सेस टू ओवर 50 सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज है, मतलब जो ओवर 50 सिटीजन
सेंट्रिक जो सर्विसेज है, जो उन सभी मतलब सर्विसेज को वन स्टॉप डेस्टिनेशन पे लाएगा ये ऐसा ऐप है। और ये जो वन टच मोबाइल ऐप है वो अभी ऑल द वेबसाइट्स एंड मोबाइल एप्लीकेशन जो भी मतलब दिल्ली पुलिस के हैं ओवर 50 सर्विसेज उनको एक साथ में लाएगा ऐसा माना जा रहा है। इससे रिलेटेड न्यूज़ यही है। देन नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है निर्मला सीतारमन जो कि हमारे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर है, ये उनसे रिलेटेड न्यूज़ है। तो उन्होंने जो है हाल ही में अभी एक गोवा के पंजिम में सितंबर 20, 2019 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस किया है जहाँ पे उन्होंने ये अनाउंस किया है कि टू स्लैश द कॉरपोरेट टैक्स रेट्स, तो कॉरपोरेट टैक्स रेट्स जो है वो उसकी दर मतलब कम कर देंगे ऐसा बोला जा रहा है। और ये जो प्रपोजल जो है वो गवर्नमेंट ने दिया है वहाँ पे, और ये क्यों दिया है ताकि जो कि डोमेस्टिक कंपनीज है और फॉर न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है उन लोगों उन कंपनीज के लिए ये प्रपोजल है। और सीतारमन ने ये भी कहा है कि जो ये जो ऑर्डिनेंस जो है फॉर स्लैशिंग द टैक्स रेट्स उसके लिए ऑलरेडी मतलब इसको पास किया गया है और द टैक्स एग्जम्पशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द करेंट फाइनेंशियल ईयर विच बिगन ऑन 1 अप्रैल 2019, तो उन्होंने ये भी कहा है। इससे रिलेटेड न्यूज़ यही है। देन नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है डिजिटल पेमेंट अभियान, तो ये उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। और नैसकॉम का जो डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है यानी कि DSCI, उन्होंने हाल ही में अभी विथ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT यानी कि MeitY एंड गूगल के साथ कोलाबोरेट करके एक जो नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन है डिजिटल पेमेंट अभियान उसको लॉन्च किया है। और ये जो है ये यूनियन कम्युनिकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर जो है रवि शंकर प्रसाद उन्होंने लॉन्च किया है। और ये न्यू दिल्ली में जो कि गूगल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया एक इवेंट है गूगल फॉर इंडिया वहाँ पे किया गया है लॉन्च। द नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है नेवी से रिलेटेड न्यूज़, तो अभी नेवी जो है उनको जो कि खानदेरी स्कॉर्पियन सबमरीन है उसको अभी बाय माजागोन डॉक लिमिटेड यानी कि MDL के द्वारा नेवी को ये हैंड ओवर किया गया है खानदेरी स्कॉर्पियन सबमरीन को। और ये जो खानदेरी जो है वो एक कालवरी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है और इसको जो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कमीशन करेंगे सितंबर 28, 2019 को। और इंडियन नेवी ने जो है ऑलरेडी जो फर्स्ट खानदेरी सबमरीन है उसको डिसंबर 6, 1968 को कमीशन किया था और एंड सर्व टिल इट्स डीकमीशनिंग ऑन October 18, 1989। उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। देन नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है रॉबर्ट ओब्रियन एज न्यू USNSA, तो ये जो न्यूज़ है वो है US के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रम्प उन्होंने अभी जो रॉबर्ट ओब्रियन है उनको एज द न्यू नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इनके NSA के तौर पे मतलब उनका नामांकन किया है उनका नाम लिया है और ये यूनाइटेड स्टेट के लिए है। तो रॉबर्ट ओब्रायन जो है वो अभी जॉन बोल्टन जो कि जिनको अभी कुछ दिनों पहले यानी कि लास्ट वीक को मतलब ट्रंप ने उनके जॉब से फायर कर दिया था निकाल दिया था उनकी जगह लेंगे उनको मतलब रिप्लेस करेंगे वो। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट भी किया है ट्विटर पे ये कह के कि आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट आई विल नेम रॉबर्ट सी ओब्रायन एज आवर न्यू नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, आई हैव वर्क लॉन्ग एंड हार्ड विद रॉबर्ट, ही विल डू अ ग्रेट जॉब, ये उनका कहना है। देन नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है राजनाथ सिंह जो कि हमारे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है उनसे रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो राजनाथ सिंह जो है उन्होंने हाल ही में जो कि एक फाइटर जेट उड़ाया है जिसका नाम है तेजस उसको उड़ा के जो है वो अभी फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर बन गए हैं और जो कि इंडिजीनियसली बिल्ट फाइटर एयरक्राफ्ट जेट है तेजस। और उन्होंने जो है उन्होंने जो HAL एयरपोर्ट जो है बेंगलुरु में सितंबर 19, 2019 को ये कॉम्बैट जेट उड़ाया है। और राजनाथ सिंह ने जो है फिर बाद में पिक्चर्स भी पोस्ट किए हैं उन्होंने उनका पिक्चर जो कि जी सूट ऑन ट्विटर में और वहाँ पे एक मतलब लिखावट भी थी कि ऑल सेट फॉर द डे। और
उनको जो है कंपनी दे रहे थे एयर वाइस मार्शल एन तिवारी, और ये जो एयर वाइस मार्शल एन तिवारी जो है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर एट द नेशनल फ्लाइट टेस्ट सेंटर ADI यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इन बेंगलुरु के मतलब वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी है। तो ये उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। देन नेक्स्ट जो न्यूज़ है आज के लिए इतना ही है, और कल हम फिर नए न्यूज़ के साथ हाजिर होंगे। हमारा ये जो चैनल है प्लीज़ देखते रहिएगा, हमारे वीडियोस को शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस बिकॉज आपका ये सपोर्ट जो है ये हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्डवर्क करने के लिए। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। टेक केयर। जय हिंद।